कोडरमा जिले के कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाले फ्लाई ऐश का उपयोग डोमचांच इलाके में स्थित विभिन्न पत्थर खदानों को भरने में किया जा रहा है। बांझेडी स्थित पावर स्टेशन से डोमचांच तक फ्लाई ऐश की ढुलाई के दौरान पूरे रास्ते में लोगों को फ्लाई ऐश की धूल से परेशान होना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत पर रविवार की सुबह करीब 10 बजे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अपने समर्थकों के साथ तिलैया थाना क्षेत्र के सुभाष चौक पर बांझेडी की तरफ से आ रही फ्लाई ऐश लोड 3 हाइवा वाहन को पकड़ा है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि फ्लाई ऐश की ढुलाई नियमों के विपरीत की जा रही है। नियमता इसकी ढुलाई कंटेनर नुमा पूरी तरह से पैक वाहन के द्वारा किया जाना है, लेकिन वाहन मालिकों के द्वारा हाइवा वाहन के ऊपर तिरपाल ढककर इसकी ढुलाई की जा रही है, जिससे पूरे रास्ते में धूल उड़ते रहती है। इससे पैदल चलने वाले दोपहिया वाहन चालक एवं अन्य राहगीरों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर धूल से लोगों को सामने देखना मुश्किल हो रहा है और फ्लाई ऐश के कण लोगों की आंखों में जाकर जलन उत्पन्न कर रही है। फ्लाई ऐश लोड हाइवा वाहन को पकड़ने के बाद उन्होंने उपायुक्त कोडरमा आदित्य रंजन से फोन पर बात कर इस पर कार्रवाई करने की बात कही। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा हाइवा वाहनों को पकड़ने की कार्रवाई की सूचना पर अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आश्वस्त किया है कि नियम के विरुद्ध चलने वाले फ्लाई ऐश लोड वाहनों पर परिवहन विभाग के द्वारा कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कोडरमा के विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी इसी तरह से फ्लाई ऐश लोड कई वाहनों को पकड़कर जिला प्रशासन से कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद नियमों के विपरीत खुले तौर पर फ्लाई ऐश लदे वाहनों का परिचालन जारी था। जिला प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था आपके तरफ से? कई बार इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से भी बात हुई है और बीच बीच में कभी कभी ये रुकता है, लेकिन जिस तरह से अभी आपके पीछे लग रहा है कि आंधी है, आम लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। प्लांट का जो छाई है, एक तो सड़क बन रहा है उसके लिए लोगों को परेशानी है, और जो छाई है छाई ले जाता है, बिल्कुल नॉर्म्स का वो पालन नहीं करता है, और जैसे तैसे वो ले जाता है, जहाँ भी रुकता है उसका वो चूका जाता है और फिर वो एक जगह जमा होता है, दिन भर वो उड़ता रहता है। तो सड़क के किनारे चंदवारा से लेकर नेहरू पहाड़ी तक जहाँ तक ये जाता है, लोग परेशान हैं। और आज इसी को देखते हुए, क्योंकि रात में भी अगर हम देखें, रात में भी कल आ रहे थे तो बिल्कुल रात के समय में लग रहा था जैसे पूरा फॉग है। तो जो स्थिति हो रही है, इसलिए अभी डीसी साहब से भी बात हुई है कि नॉर्म्स का पालन कराएं और इसका निश्चित रूप से इसका समाधान होना चाहिए। आज एक्सीडेंटल जोन बनता जा रहा है, बाइक से लोग चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, ऑटो से चलते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी होता है। उस प्रभाव की वजह से लोग, और ये जो छाई है आंख में जलन भी होता है, जो बाइक में चलने वाले आंख में लगता है, और उसके बाद फिर वैसे लोगों का भी एक्सीडेंट भी हो रहा है। तो इसलिए उसको बंद करें, उसके नॉर्म्स के मुताबिक उसको चलाएं। जो गाड़ी वाले हैं, जो हाइवा जो जा रही है देख रहे हैं भी, तो हाइवा वो अपने हाइट से और ज़्यादा उसको ऊँचा किए हुए हैं, वेल्डिंग करके कैसे करके वो जोड़ के और जो हाइट बनाए हुए हैं, और ज़्यादा 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 माल वो ले जाके जा। मैडम, पूर्व में भी कई बार गाड़ियाँ पकड़ाई हैं हाइवा की, लेकिन बार बार ये होता है कि कुछ दिन बंद रहने के बाद फिर उसी तरह से शुरू हो जाती हैं। नहीं, हम जिला प्रशासन से, उपायुक्त से भी हमारी बात हुई है, और निश्चित रूप से हम उनसे उनको भी हम कहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप आम जन को, एक तरफ पूरा देश जो ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन को लेके पूरा विश्व चिंतित है, और जिस तरह से यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें आम जन को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसीलिए इस पर जिला प्रशासन को भी हमने कहा है, हमें लगता है कब इस पर कार्रवाई होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.